अभी हम जा रहे हैं वापस और मैं शूट करूंगा ZX10R 2022 का रिव्यू। For you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे vlogs को। By the way, हम चला रहे हैं ZX10R 2022 edition already। मैं बता चुका हूँ आपसे, बहुत ही जबरदस्त लग रही है। To be very honest, I'm not a fan of the way this bike looks because मुझे पहले वाली 10R के looks ज़्यादा पसंद थे, but ये वाले color में गाड़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा अगर कोई color होता तो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद ना आती, बट इस कलर में ग्रे ब्लैक पे ग्रीन स्ट्रिप्स थोड़ा ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छी चल रही है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। अगर ब्रेक्स की बात करें तो 4 piston कैलिपर ब्रेक आपको मिल जाती है, शोवा के फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉनिक नॉट सेमी इलेक्ट्रॉनिक, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे BMW ऑफर करती है सेमी इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन ऑन द गो जो एडजस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें इसमें नहीं मिलने वाली है आपको। दूसरी चीज़, ये बाइक मैंने अभी काफ़ी चला ली तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये बाइक पहले से थोड़ी ज़्यादा लीनियर हो गई है, थोड़ा ज़्यादा लीनियर लग रही है चलाने पे। पहले वाली 10R थोड़ा और तेज शूट करती थी, ऑल दो ये साथ साथ रिफाइंड भी हो गई है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाय द वे, अभी हम चला रहे हैं राइडर मोड 2 पे जिसमें कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाता है ऑफ, दैट मींस सिंपली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है, KTRC लिखा हुआ है। बाकी पावर मोड FF मींस फुल पार, फुल एक्शन, फुल मज़ा, जैसे तुम्हारे भाई का व्लॉग होता है हमेशा। इसके अलावा जो रेस वाला मोड है उसमें एक्चुअली पावर तो फुल रहती है बट सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स ऑन रहते हैं, जिसमें एक्चुअली दद्दा राइड करता है कि थोड़ा सा उसको सेफ भी लगता है, थोड़ा कंट्रोलेबल पावर लगती है। बट इस मोड में असली मज़ा आ रही है मुझे, और मतलब मैं तो 24 घंटे इस गाड़ी को इसी मोड में रखूँ जब तक मैं किसी को दे नहीं रहा। अगर मैं किसी को दूंगा तो मैं इसको रेन मोड पे डाल दूँ, ट्रैक्शन फुल पे कर दूँ जितना भी होता है, 8 level पे ABS भी एकदम हर चीज़ एकदम टॉप करके दे दूँ जिससे गाड़ी पूरी कंट्रोल में चले। बट अगर आप खुद राइड कर रहे हो, आपको मज़ा करना है, तो इसको आप राइडर मोड 2 में डालो जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपने खुद से सेट कर रखा है बंद पे, बढ़िया है जो कि। और उसके बाद आपको इसकी आवाज़ सुना देते हैं एक बार। और पूरा लिटरली एग्जॉस्ट हिल जा रहा है, ऐसे ऐसे शेक हो रहा है एग्जॉस्ट, ये देखो एग्जॉस्ट में मूवमेंट है। इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, मतलब एक्सट्रीम स्मूथ लग रहा है। उसके बाद अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर बाइक के हिसाब से थोड़ा छोटा लगता है, बट स्टिल अच्छा लगता है क्योंकि ये डिस्प्ले सारे ही कावासाकी के प्लेटफॉर्म्स में आ गया है। जो भी आप बाइक लोगे उसमें आपको यही डिस्प्ले मिलने वाला है अब से। Z900, Z1000 पता नहीं कंटिन्यू है कि नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया आई थिंक, और Ninja 1000, ये सारी जो भी बाइक्स आप लोगे उसमें आपको यही डिस्प्ले मिलने वाला है। बाय द वे, अगर डिस्प्ले की बात करें तो अभी तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब मैं सोच रहा हूँ आपको समझा दूँ अच्छे से क्योंकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं था। तो उसके बाद इसमें आपको डिफरेंट राइडर मोड्स मिल जाते हैं, मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अभी राइडर 2 पे है और अब आगे राइडर 3 पे जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, 2 पे, राइडर 4 पे। बाकी सस्पेंशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़े से स्टिफ साइड पे हैं जिसकी वजह से कॉर्नर लेने में मज़ा आ रही है। बाकी आपको सब कुछ LED मिल जाएगा, LED इंडिकेटर्स, LED लाइट, आगे आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, प्लस एक LED का सेटअप है छोटा सा। तो ये हो गई बातें, आप चलो राइड करते हैं। बाकी बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर मिल जाएगा, दैट मीन्स अप एंड डाउन शिफ्ट ऑन द गो विदाउट यूजिंग अ क्लच। और बाइक का जो साइज़ है वो बढ़िया है, ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा जितना पहले थे क्योंकि टैंक का साइज उतना ही रखा गया है और टैंक को ग्रिप करने में आसान होगी। यहाँ पे ऑल्दो थोड़ी सी ग्रिप मिल जाती तो और अच्छा होता, तो बाइक बिल्कुल भी स्लिप ना होती घुटनों के बीच से। खैर वो तो बात की चीज़, आप लगवा सकते हो, ऑप्शनल है। एंड चलो अब इस बाइक को राइड कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई। लेट्स गो, देखते हैं ये फर्स्ट गियर में कितना करती है। 159 कर रही है फर्स्ट में, सेकंड में देखते हैं
मोटरसाइकिल। वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे ये बाइक दे दो, इतना टाइम चाहिए होता है मुझे एक बाइक के साथ स्पेंड करने में, जिसके बाद तुम्हारे भाई को कोई टच भी नहीं कर सकता ब्रो। जस्ट किडिंग, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ बट स्टिल अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं भाई। आप मुझे ये बाइक दे दो और बुला लो जिसको बुलाना है। KTRC ऑफ करने के बाद तो अलग ही मज़ा आ रही है। लॉन्च कंट्रोल लॉन्च, क्या बात है भाई। तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा लॉन्च कंट्रोल पे, ZX10R के इसके बाद वाला जो वीडियो वो लॉन्च कंट्रोल पे होने वाला है। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि लॉन्च कंट्रोल कैसा है, कैसा चलता है, कैसी मज़ा आती है कि नहीं। और बाय द वे अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको कंफर्टेबल लगने वाली है, जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। तो देखो थोड़ा बहुत अभी मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मैंने इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलाई, ज़्यादा सिटी में भी इसको नहीं चलाया, तो मुझे इतना नहीं पता है कितना प्रेशर आने वाला है, बट स्टिल इतना स्पोर्टी है तो प्रेशर आएगा। और एकदम सही काम कर रहा है, देखो देखो देखो, ये मैंने गाड़ी रोकी और ये फुल, ऐसे काम करता है लॉन्च कंट्रोल। और ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम था मेरे किसी बाइक पे लॉन्च कंट्रोल मैंने यूज़ किया, कितनी इफेक्टिव चीज़ होती है आपको बताता हूँ अगले वीडियो में। तो अभी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, जो क्विक शिफ्ट है दैट वर्क्स लाइक अ ड्रीम मैन, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मिरर्स बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं, और जो ब्रेक्स हैं ब्रेम्बो की वो बहुत अच्छी लगती हैं, क्लच काफ़ी स्मूथ साइड, मतलब बहुत स्मूथ तो नहीं कहेंगे, मिडिल में कहेंगे, बिकॉज इवेंचुअली थोड़ा सा हार्श हो जाता है टाइम के साथ क्लच, जब जैसे जैसे बाइक पुरानी होती है। और क्या मस्त कर रहा है ना, वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, अभी इनएक्टिव हो गया है, देखे रहना जब एक्टिव लिखो तभी छोड़ना, वरना सीधा स्पेस में फ्लूटो बैठे हुए। तो आपने व्लॉग देखा, आई होप आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ कोई कुछ भी ट्राई मत करना, सिर्फ ये बाइक्स के पोटेंशियल दिखाने के लिए था। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंड डिस्प्ले हो रहा है, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वहाँ पे भी 1 मिलियन होने वाले, 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स बचे हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ अगर देखना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।